पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से हराया है और 16 मिनट में दोनों टीमों ने 4 गोल दागे हैं। तो ग्रुप एच के दूसरे मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम ने घाना को 3-2 से हरा दिया है और दोनों के बीच पिछला मुकाबला 2014 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ग्रुप स्टेज में ही हुआ था। तब पुर्तगाल ने घाना को 2-1 से हराया था। पुर्तगाल की फीफा रैंकिंग 9 है जबकि घाना 61वें स्थान पर है। पुर्तगाल ने ग्रुप एच के मुकाबले में घाना को 3-2 से हरा दिया है। इस रोमांचक मैच में हाफ टाइम तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थी। 5 गोल दूसरे हाफ में आए हैं और 65वें मिनट में पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने मैच का पहला गोल दागा और इतिहास रच दिया। फीफा वर्ल्ड कप के 5वें संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद 73वें मिनट में घाना की ओर से कप्तान आंद्रे एयू ने गोल दाग कर घाना की वापसी कराई। हालांकि 78वें मिनट में जुआओ फेलिक्स और 80वें मिनट में राफेल लियाओ ने गोल दाग कर पुर्तगाल को 3-1 से आगे कर दिया और 79वें मिनट में घाना के ओस्मान बुकारी ने गोल दाग कर घाना को मैच में वापस लाने की कोशिश की।